हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में आज हम बच्चों को संज्ञा करवाएंगे और संज्ञा करवाने के लिए सबसे पहले हम बच्चों को ये बताएंगे कि इस दुनिया में, इस पूरे संसार में जितने भी नाम हैं या जितनी भी चीज़ें हैं उनके नाम, सब चीज़ों का कोई ना कोई नाम है, वो सभी नाम संज्ञा होते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्लास में बेसिकली संज्ञा का इंट्रोडक्शन ही दिया जाता है और बाकी की क्लास में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में फिर उनके भेद वगैरह वो सारे डिटेल में आ जाते हैं। तो हम इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे जो फर्स्ट और सेकंड के बच्चे इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उनको संज्ञा की परिभाषा बताएंगे। ये मैंने किसी व्यक्ति, व्यक्ति लिख के मैंने काटा हुआ है क्योंकि व्यक्ति तो सिर्फ एक जाति से रिलेटेड हो गया कि इंसानों की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्राणी। प्राणी में इंसान भी आएंगे, जानवर भी आएंगे, पशु पक्षी भी आएंगे, पेड़ पौधे भी आएंगे, जिनमें जान होती है यानी कि लिविंग थिंग्स, उनको हम प्राणी के उसमें लेंगे। और दूसरी चीज़ें होंगी वस्तु, जो नॉन लिविंग थिंग होती है जिनमें जान नहीं होती है, वस्तु। तो प्राणी, वस्तु, स्थान, किसी भी जगह का नाम, किसी शहर का नाम हो सकता है, हॉस्पिटल, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, ये सभी जगह होती हैं तो इनके नाम भी स्थान के अंतर्गत ही आते हैं। वह भाव, अब भाव के लिए हमारे इमोशंस भी होते हैं और हमारा एज ग्रुप भी होता है और हमारा स्टैंडर्ड भी होता है, ये तीनों चीज़ें भाव में आती हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है तो बुढ़ापा, बचपन, जवानी, ये उसके भाव है। अगर कोई खुश है, हंस रहा है तो खुश है, रो रहा है तो दुखी है, तो ये इमोशंस भी भाव में ही आते हैं। तो इन सबको समेट के हमने इनको एक छोटी सी दो लाइनों में इसको समेट के ये परिभाषा बना दी है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें संज्ञा में करवाएंगे। एक तो ये हमने चित्र बनाए हैं, इन चित्रों के नाम बच्चे लिखेंगे। जैसे कि ये है पुस्तक, पुस्तक। ये है बिल्ली, बिल्ली। थैला, घर, आम, मेज। इस तरह से इन चीज़ों के नाम हम लिखवाएंगे। ये हैं संज्ञा, क्योंकि थिंग्स हैं, जो भी चीज़ें हैं बनी हुई हैं, इसमें लिविंग थिंग भी है, इसमें नॉन लिविंग थिंग भी है। संज्ञा शब्द को रेखांकित करो, उनके लिए इजी होता है कि किसी चीज़ को देख के, पढ़ के हम उनको कहीं के अंडरलाइन करो। तो अब ये जैसे कि नंबर एक पे है कार में बैठूं, तो कार क्या है? संज्ञा, किसी चीज़ का नाम है, तो इसके नीचे हम लोग करेंगे अंडरलाइन। नंबर टू पे है सेब खाओ, तो इसमें सेब फल का नाम है, अंडरलाइन करेंगे। नंबर थ्री पे है लड़का, लड़का प्राणी का प्राणी है और वो क्या कर रहा है? पानी पी रहा है, तो जिस चीज़ को पी रहा है वो भी उसका भी एक नाम है, पानी। तो इन दोनों के नीचे हम रेखांकित करेंगे इन दोनों को। नंबर फोर पे है आगरा, बड़ा शहर है आगरा। अब आगरा जो है शहर का नाम है, तो शहर का नाम स्थान में आ गया ही, इस पर हम रेखांकित करेंगे इसे। और नंबर फाइव पे गाय जा रही है, तो गाय भी प्राणी है, तो इसके नीचे हम एक रेखांकित करेंगे इसे। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकेंड क्लास के बच्चों को हम ये इतना करवा देंगे तो काफ़ी रहेगा। सेकेंड क्लास में एक चीज़ हम और ऐड कर सकते हैं, वो है ये सोचिए और लिखिए। अब उनको हम ये दो दो चीज़ें कोई भी दे सकते हैं जो उनको याद हो, उनसे वही नाम लिखवाइए। जैसे कि दो शहरों के नाम, तो कोई भी शहर जो उसको पसंद हो या जो उसको आते हो, आप उन दो शहरों के नाम लिखवाइए, चाहे आपको स्पेलिंग उसकी बतानी पड़े। दो चीज़ों के नाम, कोई चीज़ें दो उसके आसपास जो भी नज़र आ रही हैं, आप उनको बोलो हिंदी में से किसी भी दो चीज़ों के नाम लिखो। दो मित्रों के नाम जो उसके फ्रेंड्स हैं, दो खेलों के नाम जो उसको खेल पसंद है, और दो नदियों के नाम, जिन भी नदियों के नाम उसको मालूम है उसको बोलो वो लिखे, तो वो हमेशा याद रहेगा उसको, क्योंकि वो उसने अपने मन से बोला है। तो ये सेकंड तक का काम जो है इतनी एक्सरसाइज से हो जाएगा। एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, बच्चे को कोई फोटो पिक्चर दिखा सकते हैं, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं उनको बोलो कि उनको नाम लिखो, उनको कैटेगराइज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक दिखाती हूँ पिक्चर, ये एक पार्क है, पार्क की पिक्चर है, ये देखिए, ये एक पार्क की पिक्चर है और इसमें बच्चे भी हैं, बॉल है, पेड़ है, घास है, झूले हैं, तितली है, तो इनमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आ सकती हैं कि बच्चे इनके नाम यहाँ पे या एक लिस्ट बना के लिख सकते हैं। तो चित्रों को बच्चे ध्यान से देखें और फिर उनके नाम छांटकर नीचे लिखें, जितने भी वो लिख पाए उनके लिए ये माइंड गेम होगा, एक एक्सरसाइज होगी। यहाँ से जो संज्ञा का पार्ट शुरू हो रहा है वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के लिए है, क्योंकि उनमें आगे डिटेलिंग में आता है सारा वर्क। जैसे संज्ञा है, संज्ञा के अर्थ,
संज्ञा के भेद, ये हम इसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। संज्ञा का अर्थ है नाम, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें होती हैं, इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सबके नाम होते हैं और नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद होते हैं तीन। एक तो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो नाम आते हैं जो पर्टिकुलर नाम दिए हुए होते हैं या खास नाम होते हैं। अब जैसे कि चार लोग खड़े हैं और मुझे जिससे बात करनी है उसका नाम सचिन है, तो मैं कहूँगी सचिन से बात करनी है, तो सचिन क्या है उस वक्त, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि जो किसी खास व्यक्ति, जगह, वस्तु या बोध कराता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोदी जी की बात कर रहे हैं तो ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मंदिर या गुफाएं तो बहुत है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, अमरनाथ गुफा की, तो पर्टिकुलर जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका नाम अगर आता है तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ग्रंथ बहुत है, लेकिन हम गीता की बात कर रहे हैं। सूर्य, चांद, पृथ्वी, दिनों के नाम, इनमें से सोमवार, मंगलवार कोई भी लिखा होता है तो हम जिस दिन की बात कर रहे हैं वो ही खास होता है और वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आता है। इसी तरह से महीनों के नाम में भी यही होता है। नंबर टू है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में ये होता है अगर हमने बोला है चिड़िया तो वो एक चिड़िया का मतलब नहीं है, उसमें है सभी तरह की चिड़िया आ गई, जितनी भी चिड़िया है सब आ गई उसमें। अब हमने बोला लड़की तो इसमें जितनी भी फीमेल चीज़ें हैं, फीमेल महिलाएं जो भी हैं सब इसमें आ गई। हमने एक लड़की की बात करी तो लड़की किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जाति को। चिड़िया सारी बर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रही है, लड़की फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही है। नदी, नदी एक पानी के बहाव को कहा जा रहा है, लेकिन नदियों के नाम है। हम कौन सी नदी की बात करते हैं अगर हम नाम लेते हैं तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम सिर्फ नदी कहते हैं तो वो जातिवाचक में आएगा, क्योंकि हम किसी भी नदी की बात कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं राम बाजार गया तो बाजार भी जातिवाचक में आएगा, क्योंकि हम किसी भी बाजार में जा सकते हैं। हमने नाम नहीं दिया है कि वो बाजार में कहाँ गया है या कौन से बाजार गया, वो बुध बाजार में गया है, वो सोम बाजार में गया, ऐसा नहीं बोला। हमने कहा बाजार गया है, तो बाजार सभी तरह के बाजार को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा में ये चीज़ें इस तरह से आएंगी। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। अब इसमें गुण भी आता है, दोष भी आता है। गुण मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी है, अच्छी है यानी कि भाववाचक संज्ञा हो गया उस चीज़ के बारे में। दोष अगर वो कोई चीज़ खराब है तो उसके बारे में दोष है तो वो भी इसमें आएगा भाववाचक संज्ञा में। अवस्था किस अवस्था का, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई बच्चा है, तो ये अवस्था में आएगा। दशा वो कैसा है, गरीब है, अमीर है, ये सब इसमें दशा में आएंगे। और स्वभाव, उसका स्वभाव दयालु है, उसका स्वभाव लड़ाकू है, तो ये आते हैं भाव में। और भाव में वो चीज़ें आती हैं जिनको कि हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा वो होता है। अब इसके साथ हम एक एक्टिविटी भी ले लेते हैं। एक्टिविटी है संज्ञा के भेद का नाम लिखो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है सिया लिख रही है, तो जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया है वो क्या है, कौन सा भेद है संज्ञा का, सिया, सिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नौकर बाजार गया, बाजार क्या है, जातिवाचक संज्ञा। डर क्या है, भाववाचक संज्ञा। गर्मी क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, गर्मी भी है ना, गर्म है, ठंडा है, ये हम महसूस कर सकते हैं, तो इस तरह की ये भाव है, तो भाव भाववाचक संज्ञा में आएंगे, तो इनके आगे इस तरह से लिखेंगे। एक और छोटी सी एक्टिविटी ये है कि हम एक कॉलम में कुछ नाम लिखते हैं और उनको एक लिस्ट पर हेडिंग लिखते हैं कि इसमें व्यक्तियों के नाम आएंगे, इसमें स्थान के नाम आएंगे, इसमें खेलों के नाम, इसमें देशों के नाम, आप कोई फूड आइटम्स डाल सकती हैं, फल डाल सकती हैं, सब्जियाँ, कुछ भी इसमें लिख के नाम इसमें से छाट के लिखो। इसमें बच्चे का दिमाग पूरा काम करता है, तो वो इनके नीचे इनके नाम लिखेगा। जैसे कि व्यक्तियों के नाम है गीतिका, गीतिका व्यक्ति का नाम है, यहाँ लिखेंगे। चार मीनार जगह का नाम है, स्थान का नाम है, तो यहाँ लिखेंगे। भारत देश है, तो यहाँ लिखेंगे। हॉकी खेल है, यहाँ लिखेंगे। हवा महल जगह का नाम है, तो यहाँ लिखेंगे स्थान के नाम के नीचे। विराट कोहली व्यक्तिवाचक, जापान देश का नाम है, शतरंज खेल का नाम है, इस तरह से हम इनको लिखेंगे। तो बच्चों को लिस्ट में से चीज़ें पढ़नी भी आएंगी और निकालनी भी आएंगी। इतना माइक्रोफोन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी होता है। इतना समझने के बाद वो अपने बुक्स की एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।